बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं आरान मोहल्ला गांव बाइला में हूं और आज 13 जून 2018 28 माह रमज़ानुल मुबारक का एक बहुत ही खूबसूरत सा दिन और अपने गांव जैसे ही पहुंचा तो ये दृश्य मुझे नज़र आए। आसपास की खूबसूरती, प्राकृतिक सौंदर्य जिसे देखकर आप लोग भी आकर्षित होंगे और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो कमाल ये था कि यहाँ का मौसम, इन पेड़ों के नीचे इस साये में बैठ के एक अलग सा माहौल आपके साथ जुड़ जाता है, एक अलग से माहौल में आप पड़ जाते हैं। ना आपको गर्मी का एहसास, ना किसी और चीज़ की परवाह। और आज रमज़ान है लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि यहाँ फ्रूट्स की भी आजकल कोई कमी नहीं है। एक नन्हा मुन्हा सा सिपाही दानिश, क्या नाम है आपका? नाजिश। नाजिश शकील, इधर आ जाएं थोड़ा। कहाँ थे आप? हम स्कूल थे। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यासीन इंग्लिश स्कूल मंडी। यासीन इंग्लिश स्कूल मंडी। मंडी में कितने बजे सुबह जाना होता है दानिश? क्या नाम है आपका? हम 7:30 निकलते हैं। 7:30 इसी टाइम वापस आते हैं? जी। तो गर्मी का एहसास होता होगा, धूप बहुत है, तो किस तरीके से अपने आप को बचाते हो? खाना पानी वगैरह साथ रहता है? जी हाँ। रमज़ान में भी रोज़े रखते हो? थोड़े थोड़े, कभी कभार। जी। अभी तक कितने रोज़े रखे? 7। अच्छा, मुझे बताएं, इस इलाके में मौसम तो है ही अच्छा, पेड़ पौधे हैं, खूबसूरती है, सब कुछ है, मुझे बताएं आज फ्रूट कौन कौन सा है इस इलाके में? फ्रूट तो इस मौसम में जून जुलाई में जो आजकल होता है, कौन कौन सा है अभी? हर किस्म के हैं। अभी ज्यादा इस वक्त क्या क्या है? इस वक्त है प्लम है। हाँ। और प्लम और खुबानी वगैरह है? खुबानी भी है। एप्रिकॉट वो भी है। और इसके अलावा नाशपाती वगैरह तैयार होती होगी शायद? अभी नहीं होगी। तो सेब वगैरह का भी सीजन है? सेब भी होते। आजकल खाने के काबिल क्या चीज है जो खाई जा सके? खुबानी, प्लम। खुबानी और प्लम, ये कुछ पेड़ हैं। इनमें अखरोट के भी हैं, इनमें नाशपाती के भी कुछ अखरोट हैं और भी दूसरे। और मुझे मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह आपको इस तरह की वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूंगा यहाँ के फ्रूट्स को लेके, और ख़ास तौर से जो आजकल के मौसम में इस कड़कती धूप में जहाँ टेम्परेचर ऑलमोस्ट 40 को टच करता है इस ठंडे इलाके में भी, और इस गर्मी में जो फ्रूट इंसान को काफ़ी हद तक राहत देता है। यहाँ के लोग काम काज पर निकलते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अधिकतर किसान हैं। मैं हो सका तो किसी से मुलाकात भी करवाऊंगा, नहीं तो वो फ्रूट्स जो उन लोगों को काफ़ी हद तक राहत पहुंचाते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।